चीन के विवादित बोल के बाद तुर्की सऊदी अरब भी कर रहे हैं G20 सम्मेलन से किनारा। BBN एक्सप्लेनर के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या कारण रहे होंगे जिनकी वजह से तुर्की सऊदी अरब भी कर रहे हैं G20 सम्मेलन से किनारा। जम्मू कश्मीर में होने वाले ऐतिहासिक G20 सम्मेलन को बाहरी ताकतों द्वारा भारत को नापाक घेरने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले चीन ने कश्मीर को विवादित क्षेत्र बता के सम्मेलन से खुद किनारा कर दिया है। PTI की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की और सऊदी अरब ने भी अभी तक सम्मेलन में भाग लेने की इच्छा नहीं जताई है। पाकिस्तान पहले ही इस कश्मीर के सम्मेलन को लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर चुका है। अब चीन और खाड़ी के देशों के कदम साफ हैं कि बाहरी ताकतें कश्मीर पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के दोगलेपन से तो दुनिया वाकिफ है, लेकिन तुर्की और सऊदी अरब को G20 सम्मेलन से खुद को दूर रखने की क्या वजह है, आज BBN एक्सप्लेनर में हम समझेंगे। जम्मू कश्मीर में होने वाले G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू होने से 3 दिन पहले ही तुर्की और सऊदी अरब ने पंजीकरण नहीं करवाया। चीन इस मामले में अपनी बात स्पष्ट कर चुका है। बीजिंग से PTI की रिपोर्ट में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बांग विनन के हवाले से कहा गया, चीन विवादित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की G20 बैठक का विरोध करता है, हम ऐसे बैठकों में शामिल नहीं होंगे। हालांकि तुर्की और सऊदी अरब से किसी भी प्रकार का आधिकारिक शब्द नहीं आया है, उन्होंने अभी तक इस सम्मेलन में भाग लेने को लेकर चुप्पी साधी हुई है। इस बीच केंद्रीय पर्यटन सचिव अरविंद सिंह ने जानकारी दी है कि सम्मेलन के लिए पंजीकरण 22 मई से किया जा सकेगा। आखिर तुर्की और सऊदी अरब को क्यों है आपत्ति? दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब कश्मीर को लेकर कई बार पाकिस्तान का खुलकर समर्थन कर चुके हैं। फरवरी 2020 में पाकिस्तानी संसद में संबोधन के दौरान उन्होंने कहा था कि कश्मीर जितना पाकिस्तान के लिए अहम है, उतना ही अहम तुर्की के लिए भी है। तुर्की ने 2019 में धारा 370 हटने पर विरोध भी दर्ज किया था, जिस पर भारत ने दो टूक शब्दों में कहा था कि ये उसका आंतरिक मामला है, इस मामले में वह किसी बाहर देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखें तो सऊदी अरब ही पाकिस्तान का हितैषी ही रहा है। अभी थोड़ा विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन से देश हैं G20 में। भारत के अलावा G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मास्को, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोपियन संघ भी शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें भारत ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़।